नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों IPL 2021 सीजन 14 अब शुरू होने ही वाला है, जहां पर दोस्तों आज 7 अप्रैल हो चुकी है और परसों होगा RCB वर्सेस MI के बीच में घमासान। दो टॉप टीम्स के बीच में ये मैच होगा। एक तरफ होगी दोस्तों 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ होगी अपने पहले टाइटल के लिए लड़ाई करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और दो भारतीय दिग्गजों के बीच में, दो भारतीय शेरों के बीच में ये जंग देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों एक तरफ होगा भारत का हिटमैन तो वहीं दूसरी तरफ होंगे किंग कोहली। अब दोस्तों किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। खैर दोस्तों IPL के स्टार्ट होने से दो दिन पहले RCB के इंटर स्क्वाड में एक प्रैक्टिस मैच खेला गया, प्रैक्टिस मैच नंबर 2। और दोस्तों काफी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, जहां पर दोस्तों RCB के प्लेयर्स को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें दोस्तों डैन क्रिश्चियन और ग्लेन मैक्सवेल की टीमों के बीच में मुकाबला जो है वो कराया गया। और दोस्तों काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच जो है वो देखने को मिला। और दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जहां पर दोस्तों टॉस जीतकर पहले डैन क्रिश्चियन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें दोस्तों शाहबाज अहमद ने इस मैच में ओपन किया। दोस्तों शाहबाज अहमद एक ऑलराउंडर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। तो दोस्तों ओपन करते हुए केवल 48 गेंदों में 95 रन की शानदार पारी जड़ डाली और दोस्तों इस पारी में उनके बल्ले से निकले 5 गगनचुंबी छक्के। वहीं पर दोस्तों इसके अलावा KS भारत ने भी केवल 26 गेंदों में 47 रन बनाए और दोस्तों गेंदबाजी में नवदीप सैनी को 33 रन देकर 2 विकेट मिले। और दोस्तों डैन क्रिश्चियन की टीम ने बनाए 5 विकेट पर 224 रन। और दोस्तों 225 का विशालकाय टारगेट जो है वो मैक्सवेल की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों अब ग्लेन मैक्सवेल की टीम की तरफ से रजत पाटीदार और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ओपन किया, जहां पर दोस्तों अजहरुद्दीन ज़्यादा कुछ बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 छक्कों की मदद से 49 गेंदों में 104 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। और दोस्तों इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने भी 31 गेंदों में 44 रन बनाए। और इस दौरान दोस्तों काफ़ी सारे रिवर्स स्वीप देखने को मिले हमें ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट है। और दोस्तों डैन क्रिश्चियन को 38 रन देकर 3 विकेट मिले। और दोस्तों मैक्सवेल की टीम ने 19.2 ओवर में ही इस स्कोर को हासिल कर लिया और दोस्तों जीत के हीरो रहे रजत पाटीदार। दोस्तों यूं तो रजत और शाहबाज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इसके अलावा KS भारत मैक्सवेल तो पहले मैच में जब पार्टिकल नहीं खेलेंगे तो मे भी हो सकता है कि रजत या फिर शाहबाज में से किसी को मौका दिया जाए ओपनिंग में। तो यहां पर थोड़ा सा मतलब हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हुए नज़र आ रही हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। और अजहरुद्दीन की जहां तक बात है उतना अभी तक इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं प्रैक्टिस सेशंस में, लेकिन दोस्तों टीम मैनेजमेंट पर है कि वो किस खिलाड़ी को मौका देते हैं, विराट कोहली किस खिलाड़ी को मौका देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उनको विराट कोहली का मैसेज आया था जब RCB ने उनको पिक किया था और विराट कोहली ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था RCB में आने के बाद में। तो मे भी हो सकता है कि अजहरुद्दीन थोड़ा सा पसंदीदा खिलाड़ी हों विराट कोहली के, तो शायद उनको मौका मिले। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से किसको खिलाना चाहिए पहले मैच में, क्या रजत पाटीदार को, शाहबाज अहमद को या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन को? कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है प्रैक्टिस की, इस प्रैक्टिस मैच की वीडियो अगर आपको देखनी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोगों ने बोला था कि टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अगर आपका लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम ओपन कीजिए और वहां पर डेली न्यूज़ अड्डा सर्च कीजिए। वहां पर दोस्तों आपको हमारी फोटो के साथ में एक मिलेगा, तो वहां पर आप उस चीज़ को आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।